नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता। आज आप सभी के बीच आप सभी द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने के क्रम में महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूँ। आप सभी द्वारा लगातार ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या इंग्लिश मीडियम के अभ्यर्थी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न निबंध के प्रश्न पत्र में इंग्लिश में निबंध लिख सकते हैं? तो मैं कहूँगी कतई नहीं। क्यों? क्योंकि साथियों, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा के जो तृतीय प्रश्न पत्र होता है वो हिंदी निबंध, इसका टॉपिक ही है, विषय ही है हिंदी निबंध, अर्थात आपको इसमें इंग्लिश में निबंध नहीं लिखना है बल्कि हिंदी में ही निबंध लिखना है। ठीक, तो यहाँ से बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना रहें और बिल्कुल भी आप इंग्लिश में निबंध लिखकर नहीं आएंगे बल्कि आप हिंदी में ही आपको निबंध लिखना होगा। फ्रेंड्स, ये भी आप सभी को बताना है कि आपको बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण है फ्रेंड्स, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो एक बेहतर ऐसे जरूर लिखेंगे। और आप ऑलरेडी, आपकी मातृभाषा क्या है? आपकी मातृभाषा हिंदी है, तो फिर परेशान होने की आवश्यकता है ही नहीं। अवश्य ही आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे और अधिकतम अंक भी प्राप्त करेंगे, क्योंकि अब परिवेश बदल रहा है, देश बदल रहा है, युवाओं की सोच बदल रही है और अब जो कंपटीशन का स्तर है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के सफलता के दर को देखा जाए तो इस परीक्षा में दोनों की सफलता का दर बहुत ही बेहतर है। तत्क्रम में आप सभी को परेशान होने की कतई आवश्यकता नहीं है, बस प्रैक्टिस करें, अवश्य आप सफल होंगे। और आप सभी की सफलता के लिए कुछ गुरु मंत्र भी मैं देती हूँ। अवश्य जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, UPPCS मेंस में पूछे गए जितने निबंध हैं, RO ARO मेंस में जितने भी पूछे गए निबंध हैं, प्लस मेरी जो 21 टॉपिक मेरे द्वारा बताए गए उसको दृष्टि में रखते हुए अवश्य ही आप अपने निबंध की तैयारी करें और अवश्य ही हर वीकेंड एक टॉपिक की तैयारी करें और उसको लिखने का भी प्रयास करें। साथियों, निश्चित रूप से इस क्रिया को अपनाएंगे, आप बेहतर अंक भी पाएंगे और सफलता की सीढ़ियों को भी प्राप्त करेंगे। ऑल द बेस्ट।